हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। इस स्टोरी का नाम है प्यारा सा लव। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टोरी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मुंबई शहर से, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। इस मुंबई शहर में सबके सपने पूरे होते हैं, तो हमारी कहानी की हीरोइन आरोही अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आना चाहती थी। तो देखते हैं आरोही के सपने पूरे होते हैं या नहीं। दूसरी तरफ हमारे कहानी के हीरो विराट, जो बिल्कुल एक सख्त इंसान है, उसने 24 साल की उम्र में ही अपना बिजनेस खड़ा किया था। उसके पास बिल्कुल भी दिल नहीं था। वो जो भी फैसला करता वो दिमाग से करता, उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विराट काफ़ी हैंडसम था, उसके पीछे लड़कियां पागल थीं, पर विराट को झूठ से सख्त नफरत थी, इसलिए किसी की भी विराट से झूठ बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। दूसरी तरफ आरोही भी कम खूबसूरत नहीं थी, अगर उसे कोई देख ले तो उसे देखता ही रह जाता था। तो चलिए जानते हैं आरोही और विराट कैसे मिलते हैं। आरोही अपने प्यारे घर वालों को बाय कहकर अपने रास्ते यानी मुंबई के लिए निकल पड़ती है। आरोही ट्रेन से मुंबई की ओर जाती है और सुबह के 11 बजे तक ही मुंबई पहुंच जाती है। प्लेटफॉर्म पर देखते हुए आरोही खुद से ही कहती है, ये रिया नहीं सुधरने वाली, अब तक सो रही होगी, उसे तो याद भी नहीं होगा कि मैं आज आ रही हूँ। रिया अब तो तू गई, तू सिर्फ मिल मुझे, फिर तुझे बताती हूँ मैं। ये कहकर आरोही टैक्सी स्टैंड की ओर जाने लगी। इधर मैं आप लोगों को बता दूँ, रिया आरोही की बहुत अच्छी दोस्त है। आरोही के पास एक बड़ा सा सूटकेस था, उसे ले जाने के लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। सब लोग आरोही की तरफ देख रहे थे। आरोही को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसे पता था कि वो कहीं भी जाती है तो सबकी नज़रें उसे ही देखने लगती हैं। आरोही ये सारी बातें इग्नोर करके बस आगे ही बढ़ी जा रही थी। तभी एक चोर आरोही के पीछे आता है और उसका पर्स लेकर भाग जाता है। आरोही हैरान होती है जब चोर उसका पर्स लेकर भागता है। तो आरोही अपना बड़ा सा बैग पकड़कर उस चोर के पीछे पीछे भागने लगी। चोर का पीछा करते हुए आरोही मेन सड़क पर आ चुकी थी। आरोही अभी भी चोर का पीछा करते हुए भागे जा रही थी, तभी ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है और सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। गाड़ी में से एक इंसान आरोही को भागते हुए देखकर कहता है, ये लड़की पागल है क्या, ऐसे सड़क भागने के लिए थोड़ी बनाए गए हैं, बेवकूफ लड़की। आरोही रास्ते पर भागते हुए जा रही थी, इस वजह से आरोही के बाल हवा से उड़ रहे थे और उसके गोरे चेहरे पर चार चांद लग रहे थे। आरोही से अब और नहीं भागा जा रहा था। तभी आरोही अपने पास पड़े डंडे को उठाती है और उस चोर की ओर दे मारती है। वैसे ही वो चोर नीचे गिर जाता है, तो आरोही उसके पास आराम से जाती है और कहती है, अरे भाई, इतना कोई दौड़ाता है क्या, अब चलो मेरा पर्स वापस करो। वो चोर एक यंग लड़का था। आरोही को देख वो डर गया और कहने लगा, दीदी मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैंने चोरी की। आरोही को उस पे तरस आ जाता है और आरोही कहती है, बेटा आपने सच में कल से कुछ नहीं खाया, तो ये लो। आरोही अपने पास का टिफ़िन उस बच्चे को दे देती है और उसे अपने पर्स से 1000 रुपये पकड़ा देती है और कहती है, बेटा ऐसे चोरी करना गलत बात है, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो कभी इज्जत की रोटी नहीं खा पाओगे। ये सारी बातें एक इंसान गाड़ी में बैठकर अच्छे से सुन रहा था। आरोही उस बच्चे को समझा ही रही थी, तभी एक इंसान की ज़ोर से आवाज़ आती है, ए लड़की, ये तूने क्या किया। आरोही उस आदमी की तरफ बड़ी हैरानी से देखती है। देख, हमारी इतनी महंगी गाड़ी पर तेरे मारे हुए डंडे से स्क्रैच पड़ गया है। आरोही तभी उस गाड़ी की तरफ देखती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। आरोही नीचे पड़े हुए डंडे की ओर देखकर कहती है, तुझे भी यही जगह मिली थी, अब मैं क्या करूं। आरोही उस भड़कते इंसान को देखकर कहती है, मुझसे ये गलती से हुआ है, मैंने ये जानकर नहीं किया, आप मुझे माफ़ कर सकते हैं क्या। आरोही की बात सुनकर तो कोई भी इंसान आरोही को माफ़ कर देता, पर वो विराट मल्होत्रा का ड्राइवर था, वो आरोही को किसी भी हाल में माफ़ करने वाला नहीं था। आरोही कहती है,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं शहर में आज ही आई हूँ और आते ही ये सब कुछ हो गया, अब मैं क्या करूँ। तभी ड्राइवर कहता है, तुम्हें इसके बदले हमारे बॉस को पैसे देने चाहिए और गाड़ी को ठीक करवाने के लिए हेल्प करनी चाहिए। आरोही उस ड्राइवर को देखकर कहती है, अब ये गलती मुझसे हुई है तो मैं ही ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। आरोही अपने पॉकेट में से 5,000 रुपये ड्राइवर को पकड़ा देती है। अभी मैं इतना ही दे सकती हूँ, अब गाड़ी ठीक करवा कर लेकर आओ, फिर मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। आरोही की बात ड्राइवर को सही लगी। ड्राइवर आरोही से पैसे लेता है और कहता है, अपना नंबर मुझे दो और याद रखना, तुम्हें ढूंढना हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो भागने की सोचना भी मत। ड्राइवर आरोही से उसका फ़ोन नंबर लेता है और चेक करने के लिए उसी वक्त आरोही को फ़ोन भी करता है। आरोही को अब गुस्सा आने लगा। आरोही कहती है, देखो मैंने अपनी गलती मान ली है और मैं कहीं नहीं भागने वाली। आरोही किसी से नहीं डरती और तुम मुझे डराना छोड़कर अपना काम करो। आरोही अपनी बात कहकर जाने लगी, तभी ड्राइवर को उसके मालिक का फ़ोन आता है और वो कहता है, जाने दो उस लड़की को। विराट की ये बात सुनकर ड्राइवर उसे जाने देता है। इसी बीच विराट की नज़र आरोही पर पड़ी। आरोही ने लाल कलर का कुर्ता, उसके नीचे धोती और गले में दुपट्टा ढाले हुए आरोही कह ढा रही थी। एक नज़र भी किसी लड़की को ना देखने वाला विराट आरोही को बस देखे जा रहा था। आरोही अब बहुत परेशान होने लगी, तो उसने एक टैक्सी पकड़ी और सीधा रिया के अपार्टमेंट की तरफ चली गई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। परेशान आरोही एक टैक्सी पकड़कर सीधा रिया के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। आरोही अब बहुत परेशान हो चुकी थी, फिर भी वो खुद को शांत रखकर अपनी प्यारी दोस्त रिया के घर पहुंच जाती है। आरोही रिया के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। रिया दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे यार माफ़ कर दे, मैं टाइम पर पहुँच नहीं पाई। आरोही कहती है, तू चुप कर, सब तेरी वजह से हुआ है। तो मुझे टाइम पर लेने आती तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में ना पहुंचती। रिया कहती है, अरे यार ऐसा भी क्या हो गया। आरोही सारी बात रिया को बताती है। रिया अपना हाथ अपने ही सर पर मार देती है और कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता यार, तुझे क्या जरूरत थी डंडा फेंकने की। अरे सिर्फ थोड़े पैसे ही तो ले गया था वो, अब पता नहीं उस गाड़ी के स्क्रैच के कितने पैसे वसूलेगा वो आदमी। आरोही कहती है, कोई बात नहीं, चलो हम कुछ इंतजाम कर लेंगे, अब मैं थक गई हूँ, अब तू मुझे थोड़ी देर सोने दे, मुझे कल से काम पर भी जाना है। रिया कहती है, अरे यार तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तू कहाँ पर जॉब कर रही है। आरोही कहती है, तू जहाँ पर काम करती है वहीं पर। रिया आरोही को गले लगा कर कहती है, और कौन से पोस्ट में काम कर रही है तू। आरोही कहती है, मैं CEO की असिस्टेंट हूँ। रिया कहती है, अरे यार तूने ये क्या किया, तुझे पता भी है तूने कौन सी जॉब एक्सेप्ट की है। आरोही कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस मुझे PA का ही तो काम करना है। रिया कहती है, देख आरोही मैं तुझे डराना नहीं चाहती, पर तू मेरी दोस्त है इसलिए तुझे मैं सब कुछ बताती हूँ। हमारे CEO मिस्टर विराट मल्होत्रा हैं, उससे खड़ूस इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। दिखने में जितना हैंडसम है उतना ही खतरनाक है, उसे गुस्सा हर बात पर आता है, फिर भी लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए मरती है। आरोही कहती है, अरे वो विराट हो या और कोई, मुझे क्या करना है, मुझे बस पैसे कमाने हैं और मेरे ऊपर जो उस गाड़ी वाले का कर्जा है उसे चुकता करना है। रिया फिर एक बार कहती है, आरोही मैं तेरे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ, तू विराट से दूर रह, इसमें तेरी भलाई है। आरोही कहती है, हाँ मैं कल ज्वाइन हो जाऊँगी तब देख लूँगी, अब तू चुप कर और मुझे बता मैं कहाँ रहूँगी। वो अपार्टमेंट रिया ने किराए पर लिया था तो उसमें सिर्फ रिया रहती थी। रिया कहती है, तू मेरे कमरे में रह सकती है, यहाँ पर मैं अकेले ही रहती हूँ, अब ये तेरी चॉइस है। आरोही कहती है, मैं अकेले रहूँगी। तब रिया आरोही को एक कमरे की ओर इशारा करके कहती है, ये रहा तेरा कमरा। आरोही अपना सारा सामान लेकर वहाँ उस कमरे में आराम करने जाती है। आरोही खुद से ही कहती है, पता नहीं मेरा नया बॉस कैसा होगा,
भगवान मुझे मेरे बॉस को झेलने की ताकत देना। दूसरी तरफ विराट अपने घर पर बड़े गुस्से से जाता है। उसे ऐसे गुस्से में आते हुए देखकर विराट का बड़ा भाई मानव कहता है, विराट क्या हुआ है, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? विराट कहता है, भाई वो आज एक बेवकूफ लड़की की वजह से मेरी गाड़ी पर स्क्रैच लगा है। मानव कहता है, भाई तो क्या हुआ, ठीक करवा लेंगे गाड़ी को? विराट कहता है, हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विराट सिर्फ अपने बड़े भाई मानव की बात ही मानता था। मानव कहता है, विराट इतना गुस्सा किस बात का तेरा? इस गुस्से की वजह से तेरे कितने सेक्रेटरी जॉब छोड़कर चले गए हैं। कल मैंने तेरे लिए एक लड़की को अपॉइंट किया है, कम से कम उस लड़की से अच्छे से बात करना। विराट कहता है, ओके भाई। ये कहकर विराट वहाँ से जाता है और अपने एक खास आदमी शमशेर को फ़ोन करके कहता है, शमशेर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना मेरी तरफ से मेरी नई सेक्रेटरी के लिए। उसमें कंडीशन डालना कि वो 2 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती और उसने ऐसा किया तो उसे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। विराट को बस अपने भाई की बात जैसे तैसे पूरी करनी थी, इसीलिए उसने आरोही के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। और विराट अब कहने लगा, देखता हूँ मैं नई सेक्रेटरी को वह इस जॉब को कैसे छोड़कर जाती है। आरोही से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई थी और वो जानता भी नहीं था कि उसकी सेक्रेटरी कौन है। इससे पहले आरोही को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फाइल उसके घर पर पहुंच जाती है। रिया कॉन्ट्रैक्ट देख के कहती है, देख आरोही अभी भी समय है, नहीं तो तू 2 साल के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। आरोही कहती है, कोई बात नहीं रिया, मुझे बस इस जॉब की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसे कमाने हैं। रिया कहती है, ठीक है, पर ये मत कहना कि मैंने तुझे पहले बताया नहीं। आरोही कहती है, कुछ नहीं होगा, तू देख लेना। आरोही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कंपनी को भेज देती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अगले दिन आरोही का आज ऑफिस में पहला दिन था। आरोही ने ऑफिशियल टाइट जीन्स और एक ब्लू शर्ट पहनी थी, बालों को अच्छे तरीके से बांधा हुआ था। आरोही को आज जो भी देखता वो देखता ही रह जाता। आरोही जॉइनिंग की सारी प्रोसेस कंप्लीट करके अपना काम संभालने लगी। आरोही का पहला दिन था काम पर और उस पुरानी पीए का लास्ट डे था। उस पुरानी पीए ने आरोही को सारी बातें समझा दी। आरोही भी सारी बातें अच्छे से समझ गई। फिर वो पुरानी पीए कहती है, आप अच्छे से काम करना, सर को सारा काम परफेक्ट चाहिए होता है। आरोही कहती है, ओके मैं समझ गई। और पुरानी पीए आरोही को सारी बातें समझाकर बाहर चली जाती है। आरोही अब अपने काम में लग चुकी थी, तभी विराट अपने कैबिन में जाता है। विराट की नज़र जैसे ही आरोही पर पड़ती है तो उसे कल की सारी बातें याद आने लगती है। विराट का गुस्सा फिर से ज्वालामुखी बन चुका था। विराट आरोही के पास आकर कहता है, ए लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही विराट को देखती ही रहती है, इतना हैंडसम लड़का और इतना ज़्यादा गुस्सा। फिर आरोही असलियत में आती है और कहती है, आप कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? विराट कहता है, पहले मेरे सवाल का आंसर दो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब आरोही का भी गुस्सा बाहर आने लगता है। आरोही कहती है, तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम अपना देख लो और मुझे अपना काम करने दो। विराट के साथ आज तक ऐसे किसी ने बात नहीं की थी। विराट कहता है, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? आरोही कहती है, जो भी हो पर मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब निकलो यहाँ से और मुझे काम करने दो, मुझे बहुत काम है। आरोही की बात सुनकर विराट कहता है, हाँ ठीक है, और वहाँ से निकल जाता है। विराट को ऐसे जाते हुए आरोही कहती है, अरे वाह आरोही, तूने तो इस घमंडी इंसान को अच्छा सबक दिया। तभी आरोही की एक कलीग आरोही के पास आने लगी और कहने लगी, आरोही तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? आरोही कहती है, मैंने ऐसा भी क्या किया जो तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो? आरोही की कलीग और कुछ कहने ही लगती है, तभी विराट का फ़ोन आरोही के टेलीफोन पर आता है और विराट उसे अपने कैबिन में बुलवाता है। आरोही अपने कलीग से कहती है,
मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले मुझे बॉस के पास जाना है। आरोही जल्दी से विराट के कैबिन में जाती है। आरोही के जाते ही कलिग अपने सर पर हाथ मारती है और कहती है, आरोही तूने क्या किया, अब तो तू गई, बॉस के गुस्से से, तुझे भगवान ही बचाए। बेचारी आरोही, पहले दिन ही ये सब कुछ हो गया। उस कलिग को आरोही के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो भी कुछ नहीं कर सकती थी इसमें। आरोही कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और कहती है, सर आपने मुझे बुलवाया। विराट अपनी चेयर घुमाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। आरोही विराट को बॉस की कुर्सी में देखकर हैरान होती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। आरोही कहती है, आप ही मेरे बॉस हो क्या? विराट कहता है, हाँ मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ, पर तुम्हें अकल नहीं है क्या? अपने बॉस से कोई इस तरीके से बात करता है क्या? आरोही खुद से ही कहती है, हाय रे आरोही, तेरी किस्मत, तुझे भी इस खड़ूस के साथ लड़ना था, अब क्या करेगी। विराट कहता है, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही थी? आरोही कहती है, सर मैं आपकी नई पीए हूँ। विराट कहता है, तुम्हें किस गधे ने मेरे पीए की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया? तभी विराट के कैबिन में मानव आता है और कहता है, मैं तुझे गधा दिखता हूँ क्या? विराट कहता है, भाई इसका मतलब आपने इस पागल लड़की को मेरे पीए के लिए चूज़ किया है? भाई आपको और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या, जिस खाली दिमाग वाली लड़की को यहाँ पर जॉब पर रख दिया? मानव कहता है, ये राजीव अंकल की बेटी है। आरोही, विराट कहता है, ओ तो इसलिए इसको जॉब पर रखा है आपने। मानव कुछ कहने ही वाला था, तभी आरोही कहती है, जी नहीं, मैंने सारे इंटरव्यू पास किए थे और मेरे पापा को पता भी नहीं था कि मैं कोई जॉब भी ढूंढ रही हूँ। मानव भी कहता है, हाँ विराट, मुझे तो कल अंकल का फ़ोन आया था कि आरोही उनकी बेटी है, तो उसका ज़रा ख्याल रखें, आरोही ने अपने काबिलियत पर यह जॉब हासिल की है। आरोही कहती है, मानव सर आप इन्हें एक बात बता दें, मैं कोई खाली दिमाग वाली लड़की नहीं हूँ और ना ही कोई बेवकूफ़ लड़की जो ये मुझे ऐसे कह रहे हैं। मानव ये देखकर हैरान हो गया, आज तक विराट के सामने किसी की भी बात करने की हिम्मत तक नहीं होती थी, उस विराट की बात आरोही ने काट दी थी। मानव खुश होकर कहता है, हाँ आरोही तुम्हें जो सही लगता है वैसा ही होगा। विराट तूने सुना ना आरोही ने क्या कहा? विराट अपना मुंह ऐंठकर कहता है, हाँ ठीक है नहीं कहूँगा। आरोही भी बड़ी खुश होकर कहती है, अभी कुछ बाकी है क्या? नहीं तो मैं जाती हूँ। विराट मानव के सामने कुछ नहीं कह पा रहा था, अगर वो अकेला होता तो आरोही को कच्चा चबा जाता। आरोही विराट को इग्नोर कर बाहर जाती है। आरोही के बाहर जाते ही मानव आरोही के पीछे जाता है और आरोही से कहता है, देखो आरोही, विराट बहुत गुस्सेल इंसान है, तो उसके सामने डर कर मत रहना, उसे जवाब देने की ताकत तुम में है, तो उससे कभी मत डरना और ऐसे ही रहना। आरोही कहती है, ओके आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मानव आरोही के सर पर हाथ रख कर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। आरोही अपने काम में लग गई थी, पर विराट का दिल आज काम पर नहीं लग रहा था। विराट से आज तक ऐसे किसी ने बात नहीं की थी और ये कल की आई हुई पिद्दी सी लड़की आरोही उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत करती है, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। ये कहकर विराट आरोही के फ़ोन पर फ़ोन करके उसे अपने कैबिन में बुलाता है। आरोही भी अपना सारा काम छोड़कर विराट के पास जाती है। विराट कहता है, ये लो सारी फाइल्स, और ये सारी फाइल्स तुम्हें आज के आज ही कंप्लीट करनी है। आरोही अपने सामने लगे फाइल्स के ढेर देखकर कहती है, ये इतना सारा काम मुझे एक दिन में पूरा करना है? विराट कहता है, मुझे तो तुम दिखने में ठीक ठाक लगती हो, पर पता नहीं था तुम्हारे कान खराब हैं। अरे रे, इतनी अच्छी लड़की और कान से बहरी। आरोही विराट पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैं कोई बहरी नहीं हूँ, मैंने अच्छे से सुना है। विराट कहता है, अगर अच्छे से सुना है तो निकलो काम पर और लग जाओ, अगर ये काम पूरा नहीं कर पाई तो अपना इस्तीफा तैयार रखना। तभी आरोही को याद आता है कि वो इस्तीफा नहीं दे सकती,
विराट ने उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। आरोही खुद से ही कहती है, तुझे ही जॉब करना था ना, अब भुगत। आरोही सारी फाइल्स अपने साथ डेस्क पर ले जाती है और काम करने लगती है। तभी लंच ब्रेक होता है तो उसे याद आता है विराट का खाना ऑर्डर करना है। आरोही भागते हुए विराट के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर कहती है, विराट सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए? विराट आरोही को देखकर कहता है, पहले तुम ढंग से खड़ी हो लो, फिर मुझे पूछना क्या चाहिए मुझे खाने के लिए। तो आरोही खुद की तरफ एक बार देखती है तो उसे पता चलता है कि वो दरवाजे के बाहर आधी थी और कैबिन के बाहर आधी थी, और उसके झुकने की वजह से आरोही की वाइट स्किन दिख रही थी। आरोही खुद को देखकर कहती है, अरे आरोही तू कब सुधरेगी? ये कहकर आरोही ढंग से खड़ी होती है और विराट के पास जाकर कहती है। विराट उसे एक नज़र देखता है और कहता है, तुम्हें मैंने बेवकूफ़ लड़की नाम सही दिया है। आरोही कहती है, सर मुझे बहुत काम है, तो आप प्लीज़ जल्दी बोलो आपको क्या खाना है। विराट कहता है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं क्या खाता हूँ? आरोही विराट को ताना मारते हुए कहती है, वो क्या है ना सर, मैं आपके यहाँ पर 10 सालों से काम नहीं करती हूँ, जो मुझे पता चले कि मेरे बॉस क्या खाना पसंद करते हैं। तभी विराट कहता है, ठीक है ठीक है, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम्हें अगली बार से याद रखना होगा। आरोही मन में कहती है, अरे भाई बता दो जल्दी, मुझे बहुत काम है। पर बेचारी विराट के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। विराट आरोही की बेचैनी समझ गया, इसलिए विराट ने कहा, मेरे लिए पनीर कोफ्ता और दाल चावल मंगवा लो। आरोही जल्दी से जाकर विराट के बताए हुए मेन्यू को मंगवा लेती है। तभी रिया खाने के लिए आरोही का इंतज़ार कर रही होती है। रिया कहती है, अरे आरोही तू कहाँ रह गई थी, तुझे खाना नहीं खाना क्या? आरोही कहती है, भूख तो लगी है पर क्या करूँ, देख इतनी सारी फाइल्स पूरी करनी है, नहीं तो वो राक्षस फिर से मुझ पर चिल्लाएगा। रिया कहती है, तू ऐसा कर अभी चल मेरे साथ खाना खा ले और रात को ओवरटाइम कर लेना। आरोही को भी रिया की बात ठीक लगने लगी। आरोही जैसे ही रिया के साथ बाहर खाने जा रही थी तभी आरोही को पीछे से आवाज़ आती है, और वो किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि कंपनी के मालिक विराट मल्होत्रा की आवाज़ थी। विराट कहता है, सुनो लड़की मेरा खाना कौन सर्व करेगा? आरोही रिया से कहती है, जैसे मैं इसकी पीए नहीं बल्कि नौकर हूँ। आरोही फिर झूठ की हंसी हंसकर कहती है, सर मैं अभी आती हूँ आप चलिए। विराट वहीं से अपने कैबिन में जाता है। आरोही रिया से कहती है, ये आदमी मुझे खाना भी नहीं खाने देगा, रिया तू जा मैं उसके नखरे उठाती हूँ। अरे यार एक दिन में ही मुझे परेशान कर रखा है इसने। रिया आरोही की बात सुनकर कहती है, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ, तब तक तू तेरे घमंडी बॉस को संभाल। आरोही कहती है, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। आरोही रिया को बाय कहकर ऑफिस में जाती है और विराट को खाना सर्व करती है। तभी विराट कहता है, तुमने इतना सारा खाना क्यों मंगवाया है, मैं इतना सब नहीं खा सकता, तो तुम भी ये खाना ख़त्म करने के लिए मेरी मदद कर दो, ऐसे खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। आरोही को भी ये बात ठीक लगने लगी तो उसने भी अपने लिए एक प्लेट में खाना निकाला और विराट के साथ बैठकर खाना खाने लगी। तभी आरोही सोचने लगी, जितना दिखता है उतना भी बुरा नहीं है। तभी विराट कहता है, तुमने कल मेरी गाड़ी ठोक दी थी तो मेरे गाड़ी को जो नुकसान हुआ उसका खर्चा कैसे उठाओगी? आरोही को ये बात सुनकर जोर जोर से खांसी आने लगी। उसने पूरा एक गिलास पानी पी लिया और कहने लगी, क्या वो आपकी गाड़ी थी? आरोही खुद से ही कहती है, तुझे और किसी की गाड़ी नहीं मिली थी ठोकने के लिए? जो इस घमंडी की गाड़ी ही ठोक दी तूने, अब ये तुझसे पैसे वसूल कर ही रहेगा। आरोही बड़े ही प्यार से कहती है, वो क्या है ना सर, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। विराट कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी को ठीक करने का बिल तुम्हें ही भरना पड़ेगा। आरोही कहती है, हाँ हाँ कर दूंगी, जब मुझे मेरी सैलरी मिलेगी ना तब। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और जो थे वो आपके ही ड्राइवर को मैंने दे दिए। विराट अपनी जेब से एक बिल निकालकर आरोही को दिखाता है। आरोही उस बिल को बस देखे ही जा रही थी। आरोही जैसे ही उस बिल को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है।
आरोही जोर से कहती है, 10 लाख रुपए? अरे इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आगे के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि आरोही कैसे 10 लाख रुपए चुकाएगी और विराट कौन कौन सी मुसीबतें लाएगा आरोही के लिए। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये न्यू स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।